ये क्या हुआ भाई? अरे यार अजीब सा फील आ रहा है भाई। यहाँ पर जो स्कीम है वो है कि यहाँ से मैं रेनकोट पहन लेता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं टोप चाची, जो कि झारखंड में एक नया प्लेस है। तो मैंने भी पहले कभी नहीं गया टोप चाची, तो आज मैं पहली बार जा रहा हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ कौलोकता जा रहे हैं यहाँ आसनसोल से, और मैं भी शायद झारखंड से कुछ भाई लोग हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं, पता नहीं अभी। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधा खालसा जाएंगे, वहाँ से कुछ भाई लोग हमारे साथ मीट करेंगे, वहाँ से हम लोग टोप चाची के निकल जाएंगे। तो मैं आपको पहले एक बार बाइक सब दिखा देता हूँ। सो इधर देख सकते हो मेरा सोनिक आगे रखा हुआ है, पीछे है कौलोकता का निंजा 650। सो चलो फटाफट से अब राइड स्टार्ट करते हैं। आज है संडे और अभी सुबह के 6:30 बज रहा है, तो चलो फटाफट से अब निकलते हैं। तो चलो गाइस अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से। गाइस आज का मौसम देखो गाइस, इधर हमारे तरफ यहाँ पर पूरा धूप है, लेकिन मैं जैसे जैसे झारखंड की तरफ जा रहा हूँ वैसे वैसे हम लोग को बादल देखने को मिल रहा है। और कौलोकता के लिए मुझे अभी 100 to 110 की स्पीड में मुझे क्रूज करके चलना पड़ रहा है अभी, वरना मैं तो यार 80 to 90 की स्पीड में ही चलता हूँ क्रूज करके। और ऊपर से हम लोग लेट भी हो चुके हैं भाई। तो हम लोगों ने धनबाद एड्रेस को बोला है कि 7:30 बजे तक हम लोग खालसा पहुँच जाएंगे, देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं खालसा। A few moments later. ओ भाई ये क्या हुआ भाई? अरे यार स्प्रिंग निकल गया भाई। सेट यार। अब इसको बांधना पड़ेगा। अरे यार स्प्रिंग खुले गेलो, स्प्रिंग टैग तो पाबो ना এখন আর রশি দিয়ে বাঁধতে মনে হচ্ছে। খাচ 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 করে আওয়াজ হচ্ছে। এই তো জাস্ট এখানটাতে খুললো স্প্রিংটা, ওই অটো রাস্তা না ওখান থেকে খুললো স্প্রিং। পাওয়া যাবে না, স্প্রিং বেরিয়ে গেছে। কোনো কাপড় বা দড়ি বাঁধতে হবে এখান থেকে, এখানে বাঁধতে হবে এটাকে। এটা দিয়ে হয়ে যাবে, দড়িটা দিয়ে, দড়িটা দিয়ে হয়ে যাবে। পা এখানে থাকবে, এখানে বেঁধে দাও। আর মনে হয় না কিছু লাগবে এটাতে, কাপড়টা এদিকে বাঁধার কিছু নাই। আচ্ছা এটাতে আপাতত চল। तो कैसे भी इसको जुगाड़ करके लगा लिया है हम लोगों ने। तो इसको कैसे जुगाड़ करके हम लोगों ने एक रस्सी से फिट कर लिया है। तो आगे कोई मैकेनिक का दुकान मिलेगा तो वहाँ रुक के एक बार इसको अच्छे से टाइट करवा लेंगे। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं खालसा पे। अब यहाँ पे बाकी भाई लोगों को कॉल लगाते हैं, देखते कि वो लोग कहाँ पर है। और भाई देखो आगे देखो बादल, लगता कि आगे हम लोग को बारिश मिल सकता है। सो भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे खालसा से और अभी बज रहे सुबह के 8। और ये भाई हम लोग ऐसा जॉइन किया है खालसा से। तो भाई मैं इसको अभी कुछ नहीं कर रहा, इस डबल स्टैंड को अभी जैसा है कपड़े की मदद से इसको लगा कर चलाते हैं। अभी वापस घर जाके मैं इसको देखूँगा कि क्या करना है। सो गाइस हम लोग जस्ट धनबाद एंटर करने वाले हैं
और ये देखो भाई मेरे सामने नया भीटर ब्रिजा जा रहा है। तो इधर एक बोट है, इधर लिखा धनबाद बोकारो धनबाद, यहाँ से लेफ्ट टर्न आगे 7 किलोमीटर के बाद धनबाद है। गाइस इसके बाद हम लोगों को ऐसा रोड मिलेगा 6 लेन, राइट टर्न लेने के बाद हम लोग तोपचाची के रास्ते पे एंटर कर जाएंगे। तो इस वाले रोड से हम लोग रांची गए थे, तो इस बार हम लोग राइट टर्न ले गए। तो आगे हमारा ये भाई रास्ता पहचानता है, मैं रास्ता नहीं पहचानता। तो को पहले बोला कि मैं इस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम है तोपचाची, इसके पहले मैं कभी तोपचाची गया नहीं हूँ। तो देखते हैं कि जगह कैसा है। ओ भाई साहब मजा आ गया भाई। A few moments later. क्या ना? अबे फोन तो एक काफी अच्छा है। फोन है काफी तो। DSLR आला ना व्यू आज मेरे पास। এখন লোড করো DSLR। এখন DSLR লোড করবে। আচ্ছা ফোনেই তুমি। ফোনে করো। তো গাইস ऐसा व्यू देख के हम लोगों ने सीधा यहां पर गाड़ी रोक दी यार। फोटो नहीं खींचे तो क्या किया यहाँ पर आके। लोकेशन है भाई एक नंबर लोकेशन है। ये वाला सीन तो एकदम नॉर्थ की तरह लग रहा है देखने में, पूरा नॉर्थ की तरह लग रहा है देखने में। तो गाइस हम लोगों को यहाँ से यू टर्न लेके उस लेन को पकड़ना पड़ेगा, उधर से अंदर जाने का रास्ता है तोपचाची। और हम लोग यू टर्न ले रहे हैं इस ओवर ब्रिज से, ऐसे टाइप का ब्रिज अक्सर मैंने रेलवे स्टेशन में देखा था भाई। अजीब सा फील आ रहा है भाई। तो आई थिंक हम लोग को इधर से लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा। और गाइस ये पहाड़ देखो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, ऊपर से ऐसे बादल जा रहा है पहाड़ के ऊपर से, एक नंबर व्यू है भाई एक नंबर व्यू है। सो गाइस हम लोग पहुँचे कुछ इस टाइप के रोड पे, और भाई ये लोकेशन देखो गाइस पूरा एकदम लगता कि ये रास्ता पहाड़ के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा ख़राब है भाई, बहुत गड्ढे है रास्ते पर, लेकिन यार व्यू एक नंबर है भाई एक नंबर व्यू है। सो गाइस यहाँ पर टिकट कटवाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। हेलो ये रखना है या फिर नहीं रखना है? दिन भर का, अब दिन भर आपका एंट्री है सर, आउट एंट्री दिन भर का ये इसका वैल्यू है सर। अच्छा मतलब एक दिन में जितना चाहे जितना बार आ जा सकते हैं। वाह वाह क्योंकि जंगल एरिया है तो कुछ तो मिलेगा नहीं, नहीं छोटी सी दुकान है छोटा सामान मिलेगा खाने के लिए, बाहर चल गए
अच्छा अच्छा अंदर में है कि नहीं कुछ खाना वाने का दुकान है? हाँ दुकान है। ये सही एंट्री कर दिए। सो गाइस यहाँ पर जो स्कीम है वो है कि एक बाइक का 15 रुपये लगेगा, इंसानों का कुछ पैसा नहीं लगता, और एक टिकट देगा आप लोगों का। तो उस टिकट का वैलिडिटी ऐसा है कि आप उस टिकट को लेके पूरे 24 घंटे में जितना मर्जी उतना आ जा सकते हो यहाँ पर। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। और गाइस ये रोड देखो यार, यहाँ पर अगर एक ऑफ रोड बाइक मेरे को मिल जाता ना, अल्ट्रा लेवल का मज़ा आ जाता है यहाँ पर यार। जगह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को डर भी लग रहा है क्योंकि मेरा डबल स्टैंड का स्प्रिंग निकल गया है। आप लोग देखे, रस्सी से बांध के मैं लेके आया हूँ यहाँ तक भाई। हाँ रिटर्न आंसर समय, रिटर्न आंसर समय दौड़ो। हाँ एक और दौड़ो रिटर्न आंसर समय। हाँ हाँ नहीं भाई साहब, एक नंबर लोकेशन है भाई। ओ गाइस ओ भाई, तो गाइस अभी हम लोग तोपचाची पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी डैम के ऊपर खड़े हुए हैं। एक बार लुक देख लो यार, व्यू पीछे का व्यू तो आप लोग देख ही सकते हो मेरे पीछे, और सामने का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो भाई व्यू देख रहे हो भाई, एक नंबर। और उधर वो पहाड़ की तरफ देखो यार, नीचे ये डैम। तो ये पानी यहाँ पर डैम में जमा होता है, जब ज़्यादा पानी हो जाए तब इस तरफ से पानी छोड़ भी देता है इधर, और इधर भी एक पहाड़ है। तो इधर हम लोग सब फोटो शूटिंग कर रहे थे अभी यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे उस तरफ, मतलब उधर उधर एक जगह है बहुत अच्छी जगह बैठने में, बैठ के हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोज खींचेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो अब चलते सदा उधर चलो। सो गाइस अभी हम लोग है इस तरफ, मतलब पहले हम लोग उधर थे, आप इधर आ चुके हैं। इधर से जो व्यू देखने को मिल रहा है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, देखो भाई लोग ये पहाड़ देखो भाई, एक नंबर पहाड़ है भाई, एक नंबर। और ये छोटे छोटे टापू, और यहाँ पर बैठने का बहुत अच्छा जगह है। ऊपर देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े पेड़ है, तो छाव है बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं होगी बैठने में। सो आप लोग कुछ सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो, तब तक हम लोग कुछ फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा घर चले जाएंगे। जगह भाई एक नंबर था, और ऐसी जगहों में मैं सजेस्ट करूँगा कि मौसम में या फिर विंटर में आओ, और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो गाइस अभी बारिश भी शुरू हो चुका है, तो हम लोग फिर भी चला रहे गाड़ी। आगे आगे ज़्यादा बारिश होगा तो हम लोगों को रेनकोट पहनना पड़ेगा सब। आगे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, एक काम करते हैं यहाँ से मैं रेनकोट पहन लेता हूँ, नहीं तो पूरा भीग जाएगा हम लोग। आगे पूरा बारिश हो रहा है। गाइस रेनकोट तो मैंने पहन लिया है, लेकिन अपना बैग को भीगने से कैसे बचा भाई, वो तो वाटरप्रूफ नहीं है भी नहीं, और उसका वाटरप्रूफ रेन कवर भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते भाई। तो पोलो तो भी पहन रहा है अभी, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने रेन कवर पहन लिया, वरना अभी पूरा भीग जाता बारिश में। तो अपना ये भाई यहाँ पर वेट कर रहा था शिवम, तो मैंने ग्लास भी निकाल लिया है क्योंकि ग्लास पूरा भीग जाता है, और मेरा ग्लास वाटर प्रूफ नहीं है, इसीलिए बोल रहे कि तुम निकल जाओ, तुम इधर से निकल जाओगे ना आगे से।
ठीक है हम लोग निकल जाते हैं सीधा खालसा। हाँ सीधा हम लोग निकल जाते हैं खालसा। ठीक है वो तो आगे निकल गया। ठीक है सो गाइस हम लोगों ने खालसा में रुक के अपना सारा रेनकोट उतार दिया है और अभी हम लोग फिलअप करवाने के लिए आए हैं यहाँ पर फुल टैंक करे गए मैं और ऑल ऑफ द। सेवन थर्टी सेवन ना सो मैंने और पल्लव दा दोनों ने अपनी गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल भरवा लिया है और आप सीधा जाएंगे अपने घर अपने शहर आसनसोल। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग अपने शहर आसनसोल पे। सो इसी के साथ वीडियो को मैं यही बार एंड करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अंटिल देन सी सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सो बाय बाय एंड टेक केयर।